क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए दिया हुआ है कंपाउंड है जिसको ए बोला गया है, ठीक है, और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12 और O। इसका डी यू अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 6+1 7 और 12/2 6 मतलब 1, यानी कि कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा। साथ ही साथ कहता है कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब कहता है कंपाउंड ए गिव्स द निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, कहता है कि निगेटिव जो है इसका निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट है, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जो है ये निगेटिव टेस्ट है। हम जानते हैं कि टॉलरेंस टेस्ट जो है केवल एल्डिहाइड देता है, ठीक है, लेकिन अगर एल्डिहाइड होगा तो टॉलरेंस टेस्ट देगा, लेकिन ये कहता है कि टॉलरेंस टेस्ट निगेटिव है इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर एल्डिहाइड बन दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव टेस्ट विथ डाइनाइट्रोफिनाइल, DNP पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि कंपाउंड जो है वो कार्बोनिल है, ठीक है। DNP अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया कि DNP टेस्ट पॉजिटिव है, तो बेसिकल DNP जो है वो क्या करता है, DNP जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो DNP पॉजिटिव होने का मतलब है कि कंपाउंड या तो कंपाउंड कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। लेकिन यहाँ पर कह दिया कि टॉलरेंस निगेटिव है, भाई ये कहता है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों होगा और ये कहता है टॉलरेंस निगेटिव है, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा केवल कीटोन होगा। तो देखिए बाकी के तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों का तीनों क्या है, कीटोन है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या कहता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब गौर से देखिए ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर जो ये कार्बन है, इस कार्बन से ये ग्रुप और ये दोनों ग्रुप क्या है, ये दोनों समान ग्रुप है, ठीक है। तो ये कंपाउंड, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, जबकि अपना जो कंपाउंड है वो है ऑप्टिकली एक्टिव। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में कहीं पर भी कायरल सेंटर तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, सॉरी कायरल सेंटर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है हम लोग उसमें POS, US ये सब देखते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ये वाला कार्बन जो है ये क्या है, कायरल सेंटर है, इससे जो जुड़े हुए ग्रुप है वो अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये कीटोन भी है, कीटोन है मतलब DNP टेस्ट में पास, और कीटोन है तो टॉलरेंस टेस्ट में निगेटिव, और साथ ही साथ जो है ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि ये कार्बन जो है कायरल है, ठीक है। तो इस हिसाब से दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको ये दिए गए इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके और आंसर को ढूंढने थे।